समाजवादी पार्टी आज यूपी के फैजाबाद में देश बनाओ देश बचाओ दिवस मनाएगी। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। क्रांति दिवस के मौके पर एसपी अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश करेगी। अखिलेश स्वतंत्रता सेनानी राजबली यादव की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। विपक्ष के खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरने की भी तैयारी कर रही है। यूपी के कन्नौज में सरकारी डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल गंभीर हालत में एक मरीज के घर वाले स्कूटी पर जिले के विनोद दीक्षित अस्पताल लेकर आए, लेकिन सीएमएस डॉक्टर चमन लाल मिश्रा ने मरीज को ये कहते हुए इलाज करने से मना कर दिया कि उन्हें डीएम की मीटिंग में जाना है। अस्पताल के इस रवैये के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया। सीएमओ ने जाँच की बात कही है। पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने एक और व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। बाघ ने कल भी एक युवक को मार डाला था। दो दिन में दो लोगों की मौत से पीलीभीत के लोग दहशत में हैं। पिछले 10 महीने में आदमखोर बाघ 17 लोगों की जान ले चुका है, लेकिन वन विभाग उसे काबू कर पाने में नाकाम नजर आ रहा है। डर के मारे ना ही किसान खेतों में जाते हैं और ना ही बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। बुलंदशहर में बीजेपी नेता की दादागिरी का वीडियो सामने आया है। चौकी इंचार्ज अमित कुमार ने हेलमेट ना पहनने पर एक युवक का चालान काट दिया था, लेकिन ये युवक बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बेटा था। बेटे के चालान से भड़के बीजेपी नेता ने सब इंस्पेक्टर अमित को जमकर खरीखोटी सुनाई। बेटे को समझाने की बजाय बीजेपी नेता पुलिस को ही कानून का पाठ पढ़ाने लगे। सोशल मीडिया पर बहस का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। खुद कैंसर से जूझ चुके क्रिकेटर युवराज सिंह अब कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। वाराणसी में युवराज सिंह ने अपने क्लोथिंग कलेक्शन YWC को लॉन्च किया। इस अप्रैल स्टोर से होने वाली कमाई उनके NGO यूवी कैन में जाएगी, जिसमें कैंसर पीड़ितों की मदद की जाएगी। कैंसर की बीमारी को हराने का पूरा श्रेय युवराज सिंह ने अपनी मां को दिया। पंजाब के जालंधर जिले में पुलिस की लापरवाही से लगातार हादसे हो रहे हैं। सोमवार को काहनुपुर गांव में एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन पुलिस ने ट्रक को नहीं हटाया, जिसकी वजह से मंगलवार को फिर एक ट्रक उसी ट्रक से टकरा गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर बुरी तरह घायल हुआ है। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। चंडीगढ़ में विकास बराला छेड़छाड़ मामले में एक CCTV वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी का पीछा करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन गाड़ी का नंबर साफ नहीं दिख रहा। ये वीडियो मध्यमार्ग इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर एक लड़की का पीछा करने और छेड़छाड़ करने का आरोप है। मोहाली में सिमरन भंगू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिमरन की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिमरन पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था और कैलिफोर्निया में एक पेट्रोल पंप पर पार्ट टाइम जॉब करता था। पेट्रोल पंप लूटने आए बदमाशों ने सिमरन को गोली मार दी थी। लोगों ने सरकार से विदेशों में भारतीयों पर हो रहे हमले को गंभीरता से लेने की मांग की है। जालंधर के आदमपुर के पास गश्त के दौरान पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों बदमाश अमृतसर से हेरोइन के साथ आ रहे थे। पुलिस ने बदमाशों के पास 170 ग्राम हेरोइन, 2 पिस्तौल, 6 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने दूसरी जगह से 2 और बदमाशों को भी धर दबोचा। इनमें से एक बदमाश मोस्ट वांटेड है। लुधियाना में पादरी की गोली मारकर हत्या करने वाले अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में पंजाब स्टेट मॉनिटरिंग कमीशन के चेयरमैन मनोवर मसीह ने पुलिस के अफसरों के साथ बैठक की और हथियारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। चेयरमैन ने राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है।